सो गाइस आज का टॉपिक है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, ये ऑप्शंस को ऑन ऑफ कहाँ से करेंगे। सबसे पहला स्टेप आप जाएंगे कंपनी, कंपनी में जाने के बाद आप जाएंगे फीचर्स, और फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे आपको दिखाई देगा ये फीचर्स को आपको करना है यस। जैसे यहाँ पे नो लिखा था मैंने यस कर दिया और कंट्रोल है, दैट्स अ सेव एंड क्लोज। अब अगर आप आपके सेल्स में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सेल्स में जाओ, तो जब आप सेल्स में जाएंगे तो यू विल गेट अ एडिशनल ऑप्शन कॉल्ड एज एक्चुअल एंड सेपरेट। करेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, आई रिपीट इसका मीनिंग क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं फिर आगे का डेटा आपको समझ में आएगा। करेक्ट। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। अब ये कहता है कि सर एक्चुअल में जैसे अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेने गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नोटबुक लिया, तो उन्होंने बोला सर बाय टू गेट वन फ्री। बहुत बार आपने स्कीम या ऑफर देखा रहेगा ना, बाय टू गेट वन फ्री, मतलब दो खरीदा तो एक फ्री का मिलेगा, सर बहुत अच्छा है। तो अगर मैंने 100 नोटबुक खरीदा तो मुझे कितना मिलेगा भाई, स्कीम क्या है, दो खरीदा तो एक फ्री मिलने वाला है, तो मैंने 100 खरीदा तो मुझे कितना मिलेगा, 125 कैसा 125, कौन सा मैथ्स यूज किया आपने, हाउ कम 125 भाई, अगर सर। टू का हाफ किया तो वन आता है बराबर, हाँ हाँ सर, तो मैंने अगर 100 परचेज किया तो 100 का हाफ कितना हुआ, 50, 100, 50 150 150 मिलेगा। करेक्ट। अब गाइज यही सिनारियो मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्लियर। तो अब सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ, करेक्ट, ये सेल में भी हो सकता है परचेस में भी हो सकता है, ये आप अपने कस्टमर को भी ऑफर दे सकते हैं या आपको कहीं सप्लायर से ऑफर मिला तो आपके लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑफर मिला था सर कि अगर आपने 50 खरीदा या बाय टू गेट वन फ्री, अगर दो खरीदा तो एक फ्री मिलेगा, ठीक है चलो मैं भी एक ऑफर ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। करेक्ट। एक क्रिएट में चले जाते हैं, एक लेजर बना देता हूँ सर, लेजर क्यों भाई, पार्टी तो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, कौन सा ऑप्शन देता हूँ मैं यहाँ पे, अंधेरी एबीसी सप्लायर, कौन है सर अंधेरी एबीसी सप्लायर है, याद रखना सप्लायर हमेशा क्या होता है, क्रेडिटर। ओके कंट्रोल है, मतलब मैंने लेजर बना लिया सर। अच्छा सर क्या स्टॉक बनाना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी बनाना चाहता हूँ। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक आइटम ले लिया, बाकी का ऑलरेडी आपको बता दिया है मैंने, स्टॉक आइटम में हम लोग क्या ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे बना दिया एक 100 पेजेस नोटबुक। करेक्ट सर। कोई ब्रांड है आपका तो यहाँ पे ले लो आप नोटबुक। करेक्ट। किसमें मिला है, पैकेट या पीसेस या बॉक्सेस में, सही सर हम पीसेस में ही ले रहे हैं। करेक्ट ना। या क्वांटिटी यूनिट्स ले सकते हो ना, 10 यूनिट्स 50 यूनिट्स ऐसे करके भी आप ले सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास कितना है सर, सॉरी मेरे पास कुछ भी नहीं। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे परचेस करने के लिए, आपको याद है मुझे स्कीम दिया गया, यस सर, F9 शॉर्टकट परचेस। करेक्ट ना। मैंने यहाँ पे लिखा ऑफर नंबर वन, याद रखने के लिए करेक्ट, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं ऑफर नंबर वन। सर एंट्री करने के पहले यहाँ पे 31 मार्च आ रहा है, तो मैं जरा अपना यहाँ का डेट चेंज कर लेता हूँ, F2 मेरा डेट चेंज किया 1 अप्रैल। करेक्ट। अब मैं कब परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया ऑफर नंबर वन, ठीक है सर बढ़िया। कहाँ से मिला था बोलो, कौन सा था वो, अंधेरी कस्टमर नहीं हो सकता, एबीसी सप्लायर। करेक्ट। अंधेरी एबीसी सप्लायर, सप्लायर कोई भी होगा सर, सप्लायर से आप ले लो। करेक्ट। ओके सर परचेस वन, क्या परचेस कर रहा हूँ सर, नेम ऑफ आइटम क्या है, 100 पेजेस नोटबुक। करेक्ट। यहाँ पे ऑर्डर वगैरह सर नॉट अप्लीकेबल, लोकेशन कौन सा है सर अंधेरी, क्या स्कीम दिया था उसने, बाय टू गेट वन फ्री, मैंने 100 नोटबुक खरीदा, मतलब एक्चुअल में मुझे कितना मिलेगा, 150। करेक्ट। बिल कितना सर, बिल कितने का बनेगा बोलो, 100 का पैसे, एक का प्राइस कितना हंड्रेड था, 10 रुपीज। करेक्ट। आई होप समझ में आ गया, यस या नो, किसी को कुछ डाउट है सर। सो अब आपने इसमें देखा कि हम लोगों ने 100 नोटबुक परचेस किया और स्कीम क्या थी, बाय टू गेट वन फ्री, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लिखता हूँ ऑफर नंबर टू, यहाँ पे लिखता हूँ बी गुड परचेज अंडर क्या था, स्कीम ऑफ बाय टू गेट वन फ्री, ये मुझे स्कीम मिला सर। ओके डन, क्लियर हो गया, किसी को कुछ डाउट है।
सर अब मैं जरा स्टॉक ऑडिट करना चाहता हूँ, तो गोटी में चले जाओ, स्टॉक समरी में जाओ, और यहाँ से जाने के बाद स्टेशनरी शॉप, नहीं नहीं सॉरी सर, नोटबुक, अब देख लो आपका नोटबुक क्या आया। सर नोटबुक हमको एक्चुअल में कितने में मिला था? 10 रुपीज में, और इधर एक का प्राइस कितना दिखा रहा है? 6.67, मतलब 10 रुपीज, करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल नूतन, आप एक शॉप में जाते हैं, समझो आपके पहचान का एक शॉप है या आपके नेबर में कोई शॉप है, वहां पे जाते हैं और बोलते हैं अंकल मुझे एक बुक चाहिए, तो उन्होंने बोला ये बुक 10 रुपीज का है, फिर आप बोलते हैं सर क्या सर, मैं तो रेगुलर आपके पास से बुक लेती हूँ, आपने मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 8 रुपए में दे दो, तो बोलता नहीं नहीं मैडम, मैं एक्चुअल में ओरिजिनल कॉस्ट में दे रहा हूँ, मैं 10 रुपीज में परचेज करता हूँ और आपको 10 रुपीज में ही दे रहा हूँ, करेक्ट। फिर भी आप ज्यादा इंसिस्ट करते सर 2 रुपए तो कम से कम कम करो सर, करेक्ट। वो बोलता है नहीं नहीं मैडम, जितने में खरीदा है उतने में ही ले रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस, मैंने आपसे 1 रुपया नहीं कमाया। तो क्या उसने 1 रुपया नहीं कमाया क्या? क्या वो दुकान कमाया ना सर? कितना कमाया सर? प्रॉफिट कितना हुआ दुकान वाले को? कुछ प्रॉफिट है क्या सर? मे बी प्रॉफिट नहीं होगा, जो रेट में उसने लिया है वही रेट पे उसने बेचा होगा, वो हो सकता है। वही हो सकता नहीं, अभी तो आपको परचेस का भी रेट मालूम पड़ा ना, हमने क्या रेट में परचेस किया था, 10 रुपीज में परचेस किया था, तो फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है। क्या बेच रहा है? कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा है वो प्रोडक्ट। तो क्या सच में वो कॉस्ट टू कॉस्ट? अरे भाई उसने जब परचेस किया था तो स्कीम क्या था, बाय टू गेट वन फ्री, तो क्या वो नूतन को स्कीम दे रहा है? नहीं दे रहा है ना सर, तो इसका मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो स्कीम का प्रॉफिट है। आप समझे मेरी बात? अगर वो 150 × 10 करेगा तो टोटल उसकी इनकम कितनी हो गई? 1500, और उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 1000, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 500 रुपीज का। अब बीइंग एज ए कस्टमर नूतन को भी क्या लगेगा कि नहीं यार सर ये मेरा नेबर है, ये तो बहुत ट्रस्टेड है, ये बेचारा इतना भी मतलब इसने तो मुझे बिल भी दिखाएगा तो भी आपको वही मिलेगा, बिकॉज आपको स्कीम में बेनिफिट मिला हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? क्या मिला है उसे बेनिफिट? स्कीम में मिला हुआ है, करेक्ट। आई होप सभी को समझ में आया। या जैसे आप कई बार देखो ना लक्स का सोप वगैरह लेने जाओ तो उसमें क्या रहता है कि buy 3 get 1 free, 3 हम परचेस कर दें 1 free का मिलता है। कोलगेट लेने जाओ देखो 20% एक्स्ट्रा, पार्ले जी का पैकेट देखो वहां पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा, करेक्ट। इसका मतलब है कुछ लोग क्या करते हैं कि उसी पैकेट के अंदर 10% एडिशनल एड ऑन करके वो इंक्रीज कर देते हैं। मेरी बात समझ में आया? जस्ट टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू, आई रिपीट, जस्ट टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब शॉपकीपर ने प्रॉफिट लिया सर, एक्चुअल में उसने प्रॉफिट क्या लिया हुआ है, जो स्कीम में मिला ना वो प्रॉफिट है। अगर उसको भी स्कीम नहीं मिलेगी तो वो लॉस में, बिकॉज 10 में परचेस कर रहा है, 10 में ही बेच रहा है सर, तो प्रॉफिट कहाँ हुआ? लेकिन उसका प्रॉफिट कहाँ पे है? स्कीम में है। क्वेश्चन समझा? हाँ, अगर वो नूतन को भी स्कीम दे रहा है कि बाय टू गेट वन फ्री, तो डेफिनेटली वो एक्चुअल प्राइस में दे रहा है, लेकिन बिजनेसमैन कभी तो ऐसा करेगा नहीं सर। आई होप सभी